हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी की, ठीक है। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के एमएड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। जिन बच्चों ने बीएड बीएससी बीएड कर रखी है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 अक्टूबर से ये आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। इनमें फ़ीस क्या रहेगी और आपकी मेरिट लिस्ट कब लगेगी, फर्स्ट लिस्ट और लास्ट मेरिट लिस्ट कब लगेगी, और जो आपकी एडमिशन फ़ी है वो कितनी रहेगी, इसमें हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा www.kuk.ac.in की वेबसाइट पर, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। और आपकी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे रहेगी 800 रुपये नॉर्मल फ़ी है, और यहाँ पे 200 रुपये SC BC कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये डेट आपको मैंने बता दी 1 अक्टूबर से। इफ़ ए कैंडिडेट फील च्वाइस फॉर मोर देन वन कॉलेज, अगर कोई भी कैंडिडेट एक कॉलेज की बजाय दूसरे कॉलेज, मतलब दो तीन कॉलेज की च्वाइस फील करता है अपने, जैसे मतलब आप सेलेक्ट करते हैं कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर क्या होगा, ही सी विल डिपॉजिट एडिशनल फ़ी ऑफ ₹300, 300 रुपये उसको एडिशन में पे करने होंगे अगर वो एक कॉलेज से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे ₹75, ₹75 SC BC की यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस रहेगी अगर वो कॉलेज एक्स्ट्रा फील करता है तो। फॉर ईच एडिशनल कॉलेज, एक एडिशनल कॉलेज के लिए आपको ₹300 पे करने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी को, और SC BC को यहाँ पे ₹75 पे करने होंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 2/11/2020, 2 नवंबर तक आपकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी 2 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आपको ओनली ऑनलाइन मोड से क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना है, ओके। तो प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग ऑफ ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एंड टेस्टिमोनियल अलोंग विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन गिवन इन चैप्टर 7, प्रोसीजर टू अप्लाई। तो ये सब आपको एक चैप्टर नंबर 7 है उसके अंदर बताया गया है, जो कि आपका प्रोस्पेक्ट होगा, प्रोस्पेक्टस है, उसके अंदर बताया गया है। एडमिशन टू एमएड कोर्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, जिस एग्जामिनेशन बेस पे आप जैसे BA BEd पे ले रहे हो तो उसकी परसेंटेज आपकी देखी जाएगी, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो नो अदर वेटेज विल बी गिवन, उसके अलावा कोई भी परसेंटेज वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं की जाएगी, जैसे मास्टर डिग्री कर रखी तो उसकी यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे ऐड नहीं होगी, ठीक है। शेड्यूल ऑफ डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड एडमिशन फ़ी आर एज, अभी मैं एडमिशन फ़ी और शेड्यूल क्या रहेगा मेरिट लिस्ट का वो बता देता हूँ। तो उसके बाद हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं बीच में एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी जैसे BA BEd BSc BEd BEd BL, और एग्जामिनेशन विद 50% आपके मार्क्स होने चाहिए इन कोर्सेज में, और 47.50% यहाँ पे जो कि SC ST OBC PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे 47.50% की कंडीशन रखी गई है, ठीक है, मिनिमम। तो उसके बाद हम देख लेते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगेगी। यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट आपकी लगेगी 10 नवंबर को, ठीक है, 10 नवंबर को यहाँ पे 10 बजे सुबह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी इस जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जितने भी एडमिशन होंगे उनके लिए आपको फ़ी डिपॉजिट करनी है, उसके लिए डेट है 16 नवंबर, 16 नवंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लिस्ट अगर सीट रह जाती हैं, पेंडिंग रह जाती हैं जो पहली लिस्ट से भर नहीं पाती, तो उसके लिए सेकंड लिस्ट लगेगी 18 नवंबर को। 18 नवंबर को यहाँ पे क्या लगेगी, सेकंड लिस्ट लगेगी। ये लिस्ट तब लगेगी अगर सीट बाकी रह जाती हैं तो, लेफ्ट रह जाती हैं तो, ठीक है। ये इसके लिए एडमिशन फीस आपको डेट दी गई है 20 तारीख, 20 नवंबर को आपके लिए यहाँ पे डेट है सेकेंड लिस्ट वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद फाइनल लिस्ट, सॉरी थर्ड लिस्ट एक कब लगेगी अगर सीट वैकेंट रह जाती हैं तो, 23 नवंबर को, 23 नवंबर को आपकी तीसरी लिस्ट लगेगी, और 25 तारीख तक आपको, 25 नवंबर तक आपको इसकी फ़ीस आपको सबमिट करनी है। उसके बाद फाइनल लिस्ट अगर फिर भी सीट पेंडिंग रह जाती है तो एक लिस्ट और बनाई जाएगी, वो बनाई जाएगी आपकी 2 दिसंबर को, ओके, 2 दिसंबर को लिस्ट बनाई जाएगी और उसकी फ़ीस आपको सबमिट करनी है 4 दिसंबर तक, 4 दिसंबर। उसके बाद है
कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज विल बी फ्रॉम 26 नवंबर। वैसे जो आपकी क्लासेज रहेंगी वो 26 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी माध्यम से, जैसी भी सिचुएशन रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम फी का डिस्कस कर लेते हैं। एडमिशन फी ऑफ द ऑफ रुपीज 17,670 रुपीज, 17,670 रुपीज आपकी यहाँ पे फीस रहेगी, एनम पर एनम, ठीक है ना, एनुअल फीस है। एज पर डिटेल गिवन इन द चैप्टर 5, ये भी आप उसमें हैंडबुक में देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस में ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद एडमिशन फी ऑफ रुपीज 48,090 रुपये पर एनम फॉर द एफिलेटेड कॉलेज एजुकेशन विल बी डिपॉजिट बाई द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द कॉलेज। ये तो थी आपकी जो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का है, उसके अंदर फीस थी 17,670 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगर आप एफिलेटेड कॉलेज में आपका एडमिशन होता है वहाँ पर आपको कितनी फीस रहेगी, 48,090 रुपये, 48,090 रुपीज़, ओके। उसके बाद आपकी क्या होगी थर्ड पॉइंट पे, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी डन बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कॉलेज ऑन द फिजिकल ओपनिंग ऑफ कैंपस। जब भी फिजिकल ओपनिंग होगी आपके कैंपस की या कॉलेज की, उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करे जाएंगे। तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अबो कोर्सेज आर इन्वाइटेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनल लिस्ट एज पर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन ऑलरेडी गिवन इन चैप्टर 6-7। तो यहाँ पे पार्टिकुलर्स क्या क्या हैं, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनल लिस्ट ऑफ द अबो कोर्सेज विल कमेंस फ्रॉम 27 नवंबर। उसके बाद सेकंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अबो कोर्सेज 30/11/2020, ओके। जो फाइनल लिस्ट है ना, वो अगर बच्चे कुछ रह जाते हैं तो उनके लिए दोबारा से यहाँ पे क्या रहा जाएगा, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने होंगे आपको, उनकी भी लास्ट डेट दी गई थी, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ डेट्स फॉर एडमिशन विद और विदाउट लेट फीस, यहाँ पे क्या रहेगी, फॉर एमएड सेकंड ईयर कोर्स, मतलब 2 ईयर कोर्स के लिए नॉर्मल एडमिशन आपके 10 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेंगे। उसके बाद आपके एडमिशन विद लेट फीस, अगर आप लेट हो जाते हैं 10 नवंबर से 4 दिसंबर तक आप अप्लाई नहीं कर पाते, मतलब एडमिशन फ़ीस जमा नहीं करवा पाते, तो आप 500 रुपये लेट फीस देकर आप 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस अपनी सबमिट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद लास्ट कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन 10 दिसंबर, 10 दिसंबर आपकी बिल्कुल डेड लाइन है, 10 दिसंबर के बाद आपका एडमिशन नहीं होगा, आप एडमिशन फ़ीस जमा नहीं करवा सकेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे सीट वगैरह दी गई हैं अलग अलग कॉलेज की, यहाँ पे 50 सीटें दी गई हैं हर कॉलेज में। जैसे फर्स्ट कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी जो है कैंपस के अंदर 50 सीट दी गई है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे कॉलेज दिया गया महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें भी 50 सीट दी गई हैं। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन विलेज खेड़ी मारकंडा कुरुक्षेत्रा, 50 सीट दी गई हैं इसमें भी। उसके बाद पी के आर जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें भी 50 सीट हैं। उसके बाद सोहन लाल डी ए वी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उसके बाद ये भी 50 सीट हैं। उसके बाद छठे नंबर पे यहाँ पे डॉक्टर गणेश दास डी ए वी कॉलेज, उसके बाद श्रीमती इंदिरा देवी कॉलेज, उसके बाद स्वामी देवी दयाल कॉलेज, उसके बाद है चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भगवानगढ़ भूरिया रोड जगाधरी यमुनानगर, इनमें 50-50 सीट आपकी दी गई हैं, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपका कोई डाउट है तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।